Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm FS Ejazuddin. I'm an art historian by profession, by vocation, and also a collector. And it was in this capacity that I got to know Ramzan when he began his career as a framer. I'm now talking about the 1980s. And in the last 30 years or so, I've seen him progress from that original small studio that he had to the present Ejaz Galleries, which is probably one of the finest art galleries in Pakistan. It's important not simply because of the presentation, it has the widest range of paintings which any collector could possibly dream of, but it also has, it's become a platform for new artists. And when you consider that new artists are in fact the seeds for the future, then it becomes an important, if I may put it, an important garden in which those seeds are being sown so that in time they will blossom and become the old masters of Pakistan. The gallery itself is one of the unique opportunities that Lahoris have, and in fact all Pakistanis have, of seeing Pakistani art at its best. And I wish Ramzan Bhai and his staff here all success, and in the future that they should have even more exhibitions which showcase Pakistan's talent. मेरा काम जो है वो ह्यूमन कंडीशनिंग के बारे में है. जैसे इंसान जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके अंदर वो जो इर्द गिर्द चीज़ें उसको सिखाई जा रही होती हैं वो उस तरह चीज़ों को देखता है. तो मेरा एक मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड था. मेरी वालदा का ताल्लुक ईरान से है, तो हमारे घर में जो थे वो पर्शियन कारपेट्स होते थे. वो जो पैटर्न होते थे वो पैटर्न मेरे लिए कोई एक मीनिंग होते थे. मुझे ऐसे लगता था इसमें कोई कोड है, उस कोड का मतलब क्या है मैं ये सोचता था. फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये एक्सप्लोर किया कि कारपेट का मतलब क्या होता है इस्लामिक नैरेटिव में. फिर उसके बाद उसी को लेके मैं आगे चलता गया. इससे मैंने नैरेटिव बिल्ड किया. पहले मैंने अपना जब बैचलर्स एनसीएस इन नेचर में किया, उसके बाद मैंने तेहरान यूनिवर्सिटी किया, वहाँ पर मैंने ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्ट को भी स्टडी किया अपने जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था तेहरान यूनिवर्सिटी से. तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर की कि डिफरेंट विजुअल्स किस तरह होते हैं, डिफरेंट रिलीजन में सेम स्टोरीज हैं. जिस तरह मसीह की स्टोरी है, मसीह की स्टोरी इस्लामिक नैरेटिव में किस तरह है और उनके अपने बिलीफ सिस्टम में वो किस तरह है. तो इस तरह की डिफरेंट स्टोरीज़ मैं डेवलप करता हूँ. मैं एक पैटर्न को ले के उसकी रीलोकेशन करके डिफरेंट मीडियम्स के साथ इसको एक्सप्लोर. मैं बेसिकली अपने काम में मैं रेनेसांस के इमेजेस को एंड जो यहाँ के लोकल इमेजेस हैं, जो पाकिस्तान बनने से पहले के भी हैं लाहौर के इमेजेस, उनको भी पेंट किया है. उसमें बेसिकली मकसद मेरा ये होता है कि रेनेसांस टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स थी उनका एक नैरेटिव बनता था, रिलीजियस नैरेटिव होता था, या जो डिफरेंट उसके इलस्ट्रेशंस के तरीके से बनती थी. जबकि मैंने अपने काम में ये किया कि उन एलिमेंट्स को लेके उनको इस तरह उनकी प्लेसमेंट की है यहाँ के लोकल इमेजेस के साथ फ्यूज़ करके कि उनका नैरेटिव चेंज हो या व्यूअर उसे डिफरेंट तरीके से देखे. तो मकसद यही है कि व्यूअर को किस तरह इंगेज किया जाए, और उसको फोर्स तो नहीं कर सकते लेकिन ये उस व्यूअर पे छोड़ दिया जाए कि वो उसको किस तरह परसीव करता है और किस तरह एक नया एक कहानी अपने माइंड में, और किस तरह वो कंडीशन करता है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, या जो एलिमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं या जो इमेजेस यूज़ किए हैं उससे वो नई कहानी क्या बना सकते हैं. इट मीन्स कि जितने व्यूअर्स हैं उतनी ही ज़्यादा कहानियाँ बनेंगी ऑलरेडी अवेलेबल जो इमेज हैं उनको देख के.